एक बार एक चूहा गाने के लिए कुछ ढूंढ रहा था। उसे एक पेंसिल मिली। चूहे पेंसिल लेकर अपने बिल में घुस गया। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे किस काम की हूँ? लकड़ी का टुकड़ा हो, गाने में भी अच्छी नहीं लगूंगी। मैं तुम्हें कुतरूंगा, मुझे अपने दांत पाइने और चोटे रखने हैं, इसलिए कुछ न कुछ कुतरना पड़ता है। ओह, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे एक आखिरी चित्र बना लेने दो, फिर तुम जो चाहो करना। ठीक है, तुम चित्र बना लो, फिर मैं तुम्हें चबाकर तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। पेंसिल ने ठंडी सांस ली और एक बड़ा सा गोला बना दिया। ये क्या, पनीर का टुकड़ा है? ठीक है, हम इसे पनीर ही कहेंगे। पेंसिल ने बड़े गोले के अंदर तीन छोटे गोले बना दिया। हाँ, अब यह पनीर ही लग रहा है। चलो शेष भाग खींचते हैं। पेंसिल ने बड़े गोले के नीचे एक और बड़ा गोला बनाया। अरे ये तो सेब है, हाँ इसे सेब कर ले रहे हैं। पेंसिल ने फिर दूसरे बड़े गोले के पास कुछ अजीब सा चित्र खींचने लगी। अरे वाह, अब तो मजा ही आ गया, ये तो चमचम है। जल्दी करो, मुझे गाना है। अरे अरे, अब तो तुम उसे बिल्ली की तरह बनाने लगी, आगे मत बनाओ। लेकिन पेंसिल बना दी गई। उसने ऊपर के गोले पर लंबी लंबी मूंजे और मुंह बनाया। अरे बाप रे, यह तो बिल्कुल असली बिल्ली लग रहा है, बचाओ। ऐसा कर चूहा भाग कर अपने बिल में घुस गया।